Good morning, my dear students. So let's begin with exercise 1.4. We have done 3 questions and now question number 4. Let's begin with it. Ye given hai. You can see question over here. Similar triangle. Ye kuch given information diye. Ek side ka value diya aur second side ka value hume find out karna hai. So jaise hi question mein similar diya hai triangle and they are talking about area. Area of triangle ki baat kar rahe hain wo log. तो इट मीन्स आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई करना होगा. लेकिन आप ये थोड़ा मैंने गिवन लिख दिया है, इतना सा ये गिवन और एक वैल्यू दी है. तो ये गिवन में आप देख सकते हो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल है. और इफ़ यू रिमेंबर द उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक साइड रहता है. तो आप ट्राई करो यहाँ पर एक साइड लाने का, जैसे कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और ये नीचे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन. तो व्हाट लेफ्ट ऑन दैट साइड 16 और ये 9 वहाँ पे जाएगा. तो ये आ गया इसका वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल का. लेकिन अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूला क्या है? ओके, हमने जो फाइंड आउट किया है कुछ वैल्यू मिल रही है तो फाइंड आउट करो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, साइड कौन सी है क्यू आर और यहाँ एम एन. प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये कितना है 16 और ये कितना है 9 और क्यू आर कितना है 20. अब इसका स्क्वायर रूट ले लो. यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लो मिलता है, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई है. लेकिन स्क्वायर रूट ले सकते हो बिकॉज 16 का 4 आ जाएगा और इसका 3. तो ये ले लेते हैं, हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा एम एन. जिसका स्क्वायर का साइन है इट इज वेरी इजी टू टेक द स्क्वायर रूट, जस्ट रिमूव दिस स्क्वायर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो 4 × mn और 20 = 16. तो mn अकेला छोड़ दो, 4 की तरह जाएगा नीचे, इसको कैंसिल करो, योर आंसर इज 15. आई होप आराम से कैंसिल कर लोगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. तो ये गिवन में कुछ दिया है तो कुछ वैल्यूज मिल रही है तो निकाल दो. एरिया ऑफ ट्रायंगल का मिल गया रेशियो तो हमारी भी फाइंड आउट कर ली. लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैं रफ कर देता हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी यहाँ पर भी देखो सिमिलर मेंशन किया हुआ है. द नेक्स्ट वन आगे एक वैल्यू दी हुई है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सेकंड वन का भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है. इट इज वेरी गुड, दोनों का वैल्यू दिया हुआ पहले से, इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, इसमें दिया है पहले से. और साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज ऑल्सो गिवन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरह ये सेम. बस इसमें ये लोग इंसिस्ट करते हैं कि पहले से एरिया दिया हुआ, एरिया इज गिवन, घुमाया फिराया नहीं ज़्यादा. और फिर बोला एक साइड दी है स्मॉलर की और लार्जर की फाइंड आउट करनी है. देखो फॉर्मूले में एक साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल आ जाते हैं और एक साइड में उनकी साइड्स आ जाती है, टोटल 4 थिंग्स हो जाती है. उसमें से कोई 3 ये लोग देंगे और एक आपको फाइंड आउट करनी है. तो फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो ट्रायंगल है एबीसी पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और फिर आप साइड लो, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, बोला स्मॉलर ट्रायंगल की 12 है. अब इसमें से स्मॉलर कौन सा है तो आपको मेजरमेंट से पता चल जाएगा. ये 81 है इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में. तो ये स्मॉल है, इट मींस पी क्यू आर जो स्मॉल ट्रायंगल, अब इसकी कोई भी साइड ले लो. फॉर एग्जांपल मैंने पी क्यू ले ली तो ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा ए बी और यहाँ हम क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे. और फिर लिखो इसको, इसकी वैल्यू दी है 225 और इसका दिया है 81 और स्मॉलर साइड दिया है यहाँ पे साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 12. तो स्मॉलर कौन सा है, छोटा वाला ट्रायंगल तो आ जाएगा 12. ओके, ये इसमें दिया नहीं है, आपको देखना है कि कौन सा एरिया कम लग रहा है तो वही स्मॉलर है. तो स्मॉलर 12 दिया है और आपको बिगर का फाइंड आउट करना है. इट मीन्स ए बी यू हैव टू फाइंड आउट, बस इतना सा था इसमें. स्मॉलर बिगर बोला है वो आप एरिया से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी साइड का वैल्यू दिया हुआ है बिकॉज दे हैवंट मेंशन द नेम. सो सिमिलर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट होता है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9. अगर स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मिल गया तो बहुत अच्छा है. ये ए बी और ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 × AB और ये 15 × 12 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आता है. फिर ए बी को अकेला छोड़ो और 9 की तरह जाएगा नीचे, ए बी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ए बी 20 सेंटीमीटर. फिनिश क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेट अ मिनट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, ए
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो इसमें यहाँ पर मेंशन किया है बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक चीज पहले है आपको, एज आई टोल्ड यू बिफोर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी है बिफोर अप्लाइंग दैट यू हैव टू मेंशन दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैवंट मेंशन इट। तो प्रूव ही करना पड़ता है। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ में तो उन्होंने सिमिलर दिया था, सिमिलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो पहले सिमिलर होना चाहिए, तो यहाँ पर सिमिलर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सिमिलर ही होते हैं, उनके एंगल सेम हो जाते हैं, तीनों एंगल सेम होते हैं, कोई दो भी ले लो तो भी ए एट एस से हो गया सिमिलर। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला मत अप्लाई करो, पहले ये मेंशन करो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और रीजन क्या आएगा बाय ए एट एस। आगे लिख भी सकते हो सिंस दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिख देने का वो भी सिंस दीज आर इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल के सारे एंगल सेम होते हैं, आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो लगाते हैं यहाँ पर कौन सी साइड मेंशन की है, ए बी दी है, तो आपको ए बी लिखना है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द स्क्वायर, ए बी है तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा डी, और यहाँ रीजन क्या आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये कितना है, इसका वैल्यू दिया है 1/2 के रेशियो है, अपने वैल्यू रखनी है रख दो, क्योंकि ऐसा कोई एरिया नहीं होता, ये रेशियो है, रेशियो चाहिए रहता है हमें। और फिर यहाँ पे वैल्यू ए बी कितना दिया है 4 और डी, अब इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लो, जैसे भी आता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, 2 का कितना होता है रूट 2, और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सॉरी हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो रिमेंबर स्क्वायर रूट वी हैव टू टेक। तो इसका हो गया 1, 2 का ये निकलता है तो रूट 2, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 4 और इसका लोगे तो 3, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी ई, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4√2। जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको मेंशन कर देना है। तो बस यही था क्वेश्चन वो 4, 5, 6 और 7, वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, बॉक्स फिक्स है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, फिर को सेंड करो उसको भर के, उसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है वो सेंड करो भर के। ओके, कर सकते हो इजीली, क्वेश्चन को देखो, सब इन्फॉर्मेशन दी होती है जो फिलअप करने वाला होता है, फिर भी नहीं आया तो मैं सेंड कर दूंगा, पर पहले ट्राई। ओके, आज के लिए वही है, टिल देन बाय बाय, जल्दी अभी दूसरा वीडियो भेजता हूँ।